तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। केवीसी 2020 25 लाख और 50 लाख का सवाल किस तारीख को पूछा जाएगा और किन से पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर बैठे हैं दो कंटेस्टेंट, आप देख सकते हैं, एक तो है हमारे एबी जी अमिताभ बच्चन जी और एक तरफ हैं ये कंटेस्टेंट जिनसे 25 लाख और 50 लाख का सवाल पूछा जाएगा। तो ये सारा मैं आपको जूम करके ये सारे तस्वीर दिखाने वाला हूँ और जो सवाल पूछा जाएगा उसकी भी यहाँ पर थोड़ी धुंधली तस्वीर है लेकिन अवेलेबल है दोस्तों। तो और दो गुड न्यूज़ हैं और वन बैड न्यूज़ है, तो आज की अपडेट्स मैं लेकर के आ गया हूँ आप सबके सामने। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 25 लाख और 50 लाख का जो सवाल है वो किन से पूछा जाने वाला है और किस तारीख को पूछा जाने वाला है, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसे जो है वो 50 लाख का और 25 लाख का सवाल पूछा जाने वाला है। अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि 25 लाख का जो सवाल है वो तो इनसे पूछा जाएगा या जाएगा, लेकिन 50 लाख का जो सवाल है वो इनसे पूछा जाएगा या ना, पूछा तो जाएगा जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसमें ये बिल्कुल इसमें ये जीतते हैं या नहीं जीतते, क्योंकि अगर जीतते होते तो इनका प्रमो आता तो शायद ये 50 लाख के सवाल में क्विट कर दें। तो ये भी देखेंगे हम कि किस तारीख को पूछा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये कौन है जिनसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो फुटेज है ये अमिताभ बच्चन जी के जरिए ट्विटर पर और YouTube पर भी, सेट इंडिया के YouTube चैनल पर ये पोस्ट की गई है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर और ये एक पुलिस अधिकारी हैं, जैसा कि यहाँ पर उसमें उस वीडियो में उस प्रोमो में बताया हुआ था। तो ये इनके सामने जो है वो अमिताभ बच्चन जी कंप्यूटर पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक सिख हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सिख हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनसे जो सवाल है वो अराउंडली कब पूछा जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रोमो है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि इनसे सवाल कब पूछा जाएगा। तो ये बात मैं आपको 60% चांसेस के साथ कह रहा हूँ कि इनसे जो सवाल है वो 5 से 6 अक्टूबर के बीच में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले वीक में इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा जब से केबीसी शुरू होगा, 28 से शुरू होगा केबीसी, तो 28 तारीख से लेकर इनसे जो है वो सवाल 28 वाले जो 28 तारीख से जो हफ्ता शुरू होता है उस हफ्ते में जो है वो इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रोमो है वो अभी एक हफ्ते पहले ही जस्ट आया था। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा कैलकुलेट किया है कि 5 से 6 अक्टूबर तक के बीच में जो है इनसे सवाल पूछा जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि 15 अक्टूबर से पहले इनसे सवाल पूछा जाएगा। ये बात तो पक्की है, 100% है ये तो, कि 15 अक्टूबर से पहले इनसे सवाल पूछा जाएगा और 5 अक्टूबर के बाद इनसे सवाल पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं वो सवाल क्या है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल है ये बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ देख पाना मुश्किल है इसमें से, और सवाल को तो नहीं देख सकते दोस्तों, लेकिन अभी जो इसका अगला प्रोमो आने वाला है उस प्रोमो में भी ये आएगा इनका। तो ये अगर इनका जो है वो प्रोमो आता है अगला वाला तो उसमें इनकी बिल्कुल क्लियर इमेज हो सकती है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अगले प्रोमो जब इनका आता है तो आपको पूरी यहाँ पर इनकी तस्वीर दे दूँ। खैर अभी भी दोस्तों आपको जानकर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी तो कौन बनेगा करोड़पति शुरू भी नहीं हुआ, तो सवाल का जवाब आपको देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके पड़ाव में ऊपर लाइफलाइन है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइफलाइन है जो कि इस बार आई है। तो आज जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया इस इमेज में, अब आते हैं कि यहाँ पर इनकी जो गुड न्यूज़ है, दो गुड न्यूज़ हैं केबीसी से रिलेटेड और एक बैड न्यूज़ है, वो देख लेते हैं। जो गुड न्यूज़ है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि इस बार केबीसी में सभी लोग सोच रहे थे इस बार केबीसी शुरू नहीं होगा, लेकिन इस बार केबीसी शुरू हो रहा है, ये तो आपकी एक गुड न्यूज़ है। और जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो 25 लाख और 50 लाख का सवाल है वो इतना जल्दी यहाँ पर आ रहा है और इस बार जो केबीसी है वो एक नए जोश और नए अंदाज के साथ शुरू हो रहा है, और आशा है कि अब जो है वो केबीसी प्ले अलोंग में अपना जो प्राइस है वो बढ़ा दे, तो इसमें भी आपको बेनिफिट होगा। वन बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ है भी या नहीं भी ये बात पक्की नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कि बैड न्यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि बैड न्यूज़ जो है वो ये है कि
केबीसी प्लेयर लोंग में फ़ीस हमें देनी पड़ेगी केबीसी प्लेयर लोंग खेलने के लिए। हालांकि अभी इसकी कोई भी बिल्कुल पक्की खबर नहीं है, क्योंकि केबी सोनी लिव ने ऑफिशियल नहीं बताया हमें। वैसे तो वहाँ पर लिखा तो हुआ है कि भाई यहाँ पर ये शुरू होगा आपका, यहाँ पर आप जीत सकते हैं करोड़पति में, लेकिन बताया नहीं है कि आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा, अभी तक मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अभी प्रीमियम मत लें। अगर 28 तारीख से, अगर 28 तारीख को कोई ये बात आती है कि भाई आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रीमियम लेना चाहिए फिर तो। अगर ये बात आती है कि 28 तारीख से कि आपको प्लेयरों खेलने के लिए प्रीमियम लेना ही लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको यही कहता हूँ कि अभी भी आप प्रीमियम ना लें, क्योंकि ये प्रीमियम जो है वो अभी आप ले लेते हैं और बाद में केबीसी जो है वो केबीसी प्लेयर लोंग फ्री होता है, और इसका मतलब कुछ और ही था बाद में हमें ये पता लगता है। तो ये मैं आपको कहूँगा कि अभी आप ना लें, बाद में आप लें अगर ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि केबीसी प्लेयर लोंग आपको पैसे देकर ही खेलना होगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को एंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक हमारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड थैंक्स।